हेलो फ्रेंड्स, सबका दिन मंगलमय हो। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का अचार। फ्रेंड्स, अगर अभी आप हमारे चैनल के लिए नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, अचार बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम हरी मिर्च है। इसको हम ऐसे स्लैंटिंग वे में एक मिर्च में दो टुकड़े तीन टुकड़े करके काट लेंगे। मिर्चें तिरछी तिरछी सब काट ली हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे हिला के, बीज होगा जो एक्स्ट्रा थोड़ा निकल जाएगा तो थोड़ा तीखापन कम हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम ऐसे निकाल देंगे और फिर मिर्ची ऊपर से छान लेंगे। अब इससे बनाने के लिए हमने लिया है मेथी दाना है, सौंफ है, ये मैंने पीला सरसों भी लिया है, इससे कलर अच्छा आता है, और खटास के लिए लिया है राई, अजवाइन है, और चाहिए होगा हींग, नमक है, हल्दी है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, और थोड़ी कश्मीरी मिर्च ली है, कलर अच्छा आएगा, और मैंने लिया है थोड़ा एक टीस्पून चीनी, ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से मिर्ची के अचार का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। और साथ में मैंने लिया है विनीगर, इससे खटास भी आती है, प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो मैं ये मसाले ड्राई रोस्ट कर लूँगी, जैसे कुरकुरे हो जाएं और फिर पिसने में आसानी रहेगी। आंच मीडियम कर देंगे, मीडियम टू लो। पहले मेथी दाना डालेंगे, इसको ज़रा टाइम लगता है, बस थोड़े क्रिस्पी हो जाएं, मॉइस्चर जो है निकल जाए। बाकी ये भी मसाले डाल देंगे। ये हमारा हो गया है रोस्ट। अब इसमें मैं हल्दी और मिर्चें भी डाल दूंगी, बहुत कम क्वांटिटी में, जार में पीसने में भी प्रॉब्लम होती है। अब ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पीस लेंगे। मेरा मसाला ठंडा हो गया है, जार में डाल लिया है, उसको पीसने जा रहे हूँ। नमक और ये चीनी भी डाल दूँगी उसी में। मसाला पीस गया हमारा, दरदरा ही पीसना है, उसको बहुत फाइन नहीं रखना है, थोड़ा दरदरा ही अचार का मसाला रहता है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल 2 टेबलस्पून, और खूब आँच तेज करके जब ये गर्म हो जाएगा तो हम गैस ऑफ कर देंगे। काफ़ी गर्म हो गया है, अब गैस हम ऑफ कर देंगे, थोड़ा इसको ठंडा कर लेंगे। उसके पहले थोड़ी हींग डाल देते हैं। अब ये जो मिर्ची है इस पर मैं पिसा वाला मसाला डाल दूंगी। मिक्स करके विनेगर 1 टीस्पून, अब तेल ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसी में हम डाल देंगे। ये अचार हमारा तैयार हो गया है, लगभग आधा घंटा ऐसे ही रख देंगे तो ये जो है मसाले सब एब्जॉर्ब फूल जाएंगे, तब ये तेल नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू। लीजिए, हमारा मिर्ची का अचार तैयार है, जो सालों साल तक ख़राब नहीं होगा।